ये इस बार बहुत ही नया परिवर्तन किया गया है, जिसमें फिजिकली सोनपुर मेला में जो लोग जाते हैं वो हमारी प्रदर्शनी में निश्चित रूप से जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी वर्चुअल संवाद करके वर्चुअल तरीके से भी लोगों के बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार लोग बिहार पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और हमारी जो जन उपयोगी और जनता के मदद के लिए जो हमारे संवाद हो रहे हैं, एक महीने तक ये लगातार चलेगा। कार्यालय से सीधे वो जन संवाद करेंगे और उनके इस संवाद को हम लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, जिससे अधिक से अधिक आम जनता के बीच में वो संवाद हो सके। बिहार का सुप्रसिद्ध सोनपुर मेला, हरियर क्षेत्र में ये सोनपुर मेला हर साल लगता है। बिहार पुलिस भी अपनी प्रदर्शनी को इस सोनपुर मेले में लगवाती है, मगर इस बार कुछ अलग अंदाज बिहार पुलिस का दिखने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टिक्स। बिहार पुलिस का अलग अंदाज बिहार के सुप्रसिद्ध सोनपुर मेले में दिखने वाली है। देखिए, बिहार पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सोनपुर मेले में पहुंचेंगे, SP पहुंचेंगे, कई चर्चित IPS एक साथ पहुंचने वाले हैं और लोगों की शिकायतों को सुनने वाले हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार इस बात की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस दिन कौन से IPS पहुंचेंगे, लोगों की शिकायतों को सुनेंगे। इस वीडियो में सुनिए। और पुलिस अधीक्षक रोहतास वर्चुअल मोड में रहेंगे और ये पब्लिक कोऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू कम्युनल हार्मनी, यानी कि जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता है उससे बनाए रखने के लिए किस तरह से नागरिकों से कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से आज 1 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक गोपालगंज वर्चुअल मोड में और पुलिस अधीक्षक खगड़िया वर्चुअल मोड में आज वार्तालाप करेंगे, जिसमें कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध और हेल्प डेस्क जो हमने बनाया उसके बारे में किस तरीके से कार्रवाई उनके ज़िले में की जा रही है, बिहार पुलिस के द्वारा क्या तैयारी है उसके बारे में आम जनता को बताएंगे। इसी तरह से कल यानी 2 दिसंबर को जो आने वाला है उसमें अवेयरनेस बिल्डिंग रिगार्डिंग साइबर क्राइम के संबंध में पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई और पुलिस अधीक्षक बेतिया जनसंवाद करेंगे। लैंड डिस्प्यूट्स यानी भूमि विवाद के संबंध में पुलिस अधीक्षक मोतिहारी कल संवाद करेंगे। 3 तारीख को ERSS डायल 112 के बारे में पुलिस अधीक्षक ERSS और सिटी सेंट्रल SP पटना संवाद करेंगे। इसका पूरा चार्ट है, मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया और प्रेस में आप पूरा चार्ट इसको उपलब्ध करा दें, जिससे आम जनता को पता चले कि कौन सा सेशन कब होने वाला है, अपनी रुचि के अनुसार वो लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। तो ये इस बार बहुत ही नया परिवर्तन किया गया है, जिसमें फिजिकली सोनपुर मेला में जो लोग जाते हैं वो हमारी प्रदर्शनी में निश्चित रूप से जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी वर्चुअल संवाद करके वर्चुअल तरीके से भी लोगों के बीच उपस्थित हो रहे हैं। मैं आपको केवल इतना बता दूं कि कल, आज तो चल रहा है कार्यक्रम, कल 30 तारीख को जो पुलिस अधीक्षक यातायात के द्वारा यातायात नियमों से लोगों को अवगत कराया गया, उसमें काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने वहाँ पर उपस्थित होकर उसको सुना और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्रसारण को करीब 12,000 लोगों के द्वारा देखा। तो इस प्रकार से लगातार लोग बिहार पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और हमारी जो जन उपयोगी और जनता के मदद के लिए जो हमारे संवाद हो रहे हैं, एक महीने तक ये लगातार चलेगा। वो बदलाव ये किया गया कि अब आधुनिक तकनीक से जुड़ते हुए हम लोगों ने जन संवाद का कार्यक्रम शुरू किया और इसमें बहुत सारी हमारी थीम है जिस पर पुलिस अधीक्षक या तो सोनपुर मेला में आएंगे और वहाँ से बैठ के जनता के साथ संवाद करेंगे या अपने अपने कार्यालय से सीधे वो जन संवाद करेंगे और उनके इस संवाद को हम लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, जिससे अधिक से अधिक आम जनता के बीच में वो संवाद हो सके। तो आपने सुना है कि किस तरीके से बिहार पुलिस एक नया कदम सोशल मीडिया और लोगों के तरफ बढ़ा रही है, लोगों के तरफ फ्रेंडली बनने के लिए बिहार पुलिस जो है वो अपने कामों को कर रही है। और इस बीच अब सोनपुर मेले में प्रदर्शनी बिहार पुलिस का लगा है, लोगों के बीच जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी लोगों की शिकायतों को सुनेंगे। बहरहाल इस खबर में बस नहीं, अगर आपने अब तक लाइव स्टेटस को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव स्टेटस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।